नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा लगातार धान घोटाले खरीद मामले को लेकर धान खरीद घोटाले मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है और एक बार फिर से उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीबीआई जांच के साथ ही सच बाहर आएगा। इसके साथ ही वो महाराष्ट्र के जो ताजा समीकरण बने हुए हैं राजनीति के उस पर भी बोले और कहा कि महाराष्ट्र में सरकार तो उसी की बनेगी जिसका बहुमत साबित होगा, लेकिन धान घोटाले पर लगातार वो सरकार को घेर रहे हैं और उन्होंने फिर कहा कि इस मामले की, इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच के बाद ही मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा और इससे पहले भी वो किसानों को लेकर बोल चुके हैं, सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं धान खरीद घोटाले में। और ये भी उन्होंने कहा कि पराली का जो दाम यहाँ पर सरकार दे रही है 1,000 रुपये, पंजाब में 2,500 रुपये दिया जा रहा है, तो सरकार किसानों के साथ ये भेदभाव क्यों कर रही है। तो पूर्व से भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से सरकार पर बरसते नजर आए और उन्होंने धान खरीद घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की। करके सीबीआई जांच और उसके बगैर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कहां किसने घोटाला किया, क्योंकि ये कैमोफ्लेज करने की जरूरत नहीं है, सही है कि कौन इसका दोषी है ये सीबीआई की इंक्वायरी के द्वारा ही पता लगेगा। सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो सही दोषी का पता लग जाएगा, असली नुकसान किसका हुआ है, असली जो जख्म खुलता है या नुकसान हुआ तो किसान का हुआ है। आज जिस प्रकार से आढ़तियों को कहकर राइस मिलों में उनका धान बेच दिया गया, ये आश्वासन देके उनको दिया जाएगा, किसान को पेमेंट नहीं मिल रही और मजबूरी में उसको सस्ता बेचना पड़ रहा है और ये इस सीजन की नहीं, पिछले कई सीजनों की कहानी है। हर बारी धान की खरीद में घोटाला होता है और हमने बहुत दिनों मांग की है कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए, ये बड़ा भारी जो है घोटाला है। और ज्यादा बातचीत के लिए केसीआरए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं करनाल से। केसीआरए, किस कार्यक्रम में हुड्डा साहब पहुंचे थे और धान खरीद घोटाले की अगर बात की जाए तो करनाल में किस तरह के मामले सामने आए और उनको ऐसा क्यों लगता है कि इसकी सीबीआई जांच हो? मेरी आवाज सुन रहे हैं केसीआरए आप? केसीआरए आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? हुड्डा, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे करनाल, किस कार्यक्रम में वो पहुंचे और उनको ऐसा क्यों लगता है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो तभी सच्चाई बाहर आएगी? बिल्कुल नासिर, मैं आपको बता दूं, अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे स्कूल के, वहां पर उन्होंने बच्चों को सम्मानित भी किया और वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा कि जो अब सरकार ने एक धान घोटाला जो एक बहुत बड़ा उठाया जा रहा है उसके लेकर उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनका कहना यह भी था कि जब तक सीबीआई जांच नहीं करेगी तब तक ये सच्चाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि खुद सरकार जांच करेगी तो घोटाला क्या सामने उजागर होगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं करती तब तक इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी और दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब ये एक सीबीआई स्पेशल एजेंसी इसकी जांच करे। फिर अच्छा, केसीआरए करनाल में भी क्या इस तरह के मामले सामने आए और किस तरह के मामले सामने आए, वहां पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल नासिर, यहाँ पर करनाल तो एक चावल का धान का हब है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हरियाणा के जो राइस मिलर है यहीं पर हैं और यहाँ पर सरकार द्वारा अभी एक हफ्ते से हर राइस मिलर के पास जो है ना बाहर गेट पर पुलिस तैनात कर दी गई थी, क्योंकि जो सरकार का धान है लगभग 6,80,000 टन वो पूरा का पूरा जो है राइस मिलरों में पड़ा है और सरकार चाहती है कि हम उनकी रखवाली कर रहे धान की। और फिलहाल अभी सीबीआई की जांच की मांग के बाद और वही राइस मिलरों की उसके मांग के बाद जो है ना सरकार ने पुलिस हटा ली है, परंतु उसके बाद जो है ये वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बात की जा रही है, परंतु विपक्ष मांग कर रहा है कि इससे बड़े घोटाले की जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया केसीआरए तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।